आपके नोटिस में आता है या आपके साथ हुआ है कि किसी ने ओटीपी फ्रॉड कर दिया है, बैंक फ्रॉड कर दिया है, या आपसे धोखे से कोई चीज़ कर दी है, क्लिक कर दी है, तो बहुत सारे टाइप है स्कैम या फ्रॉड के, तो आप इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर सेल यूनिट में आ जाएं और ये चीज़ बता दें, सो दैट हम इस पर एक्शन ले लें। इस पर ये जज नहीं किया जाएगा कि आपके साथ आपने फ्रॉड किया क्यों, मतलब आपके साथ हुआ क्यों। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफ रखी है इत्तला करने के लिए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के सभी आवाम को कि हमने एक साइबर सेल यूनिट यहाँ पे ओपन किया है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो साइबर सेल यूनिट है ये डेडिकेटेडली जो भी साइबर फ्रॉड या स्कैम या सोशल मीडिया में जो स्कैम्स हो रहे हैं उसको लेके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये सेल हमने खोला है। और ये सेल ओपन डीजी सर ने फॉर्मली इनॉग्रेट भी इसे किया था 8 जून को और ये तब से काम कर रही है। उससे पहले भी हम कंप्लेंट्स ले रहे हैं। आपके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि जो भी लोग साइबर फ्रॉड या साइबर स्कैम के शिकार हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, अपना कंप्लेंट दे सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस कंप्लेंट को एड्रेस करें, वो चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, बैंक फ्रॉड हो, या सोशल मीडिया या हैकिंग या इम्पर्सनेशन वाले फ्रॉड्स हो। मैम अभी कोई केस आया यहाँ पे इन दिनों में, इसके हवाले से कुछ कहेंगे? जब से ये फंक्शनिंग हमने शुरू की है ऑलरेडी हमें 36 कंप्लेंट्स आ गए हैं, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के। हमने एक डेडिकेटेडली साइबर सेल का एक COG नंबर भी रखा है, एक ऑफिशियल नंबर जिस पे भी डायरेक्टली हम कंप्लेंट्स लेंगे। और हमारा एक ऑफिशियल मेल ID भी है जो आप नोट भी कर सकते हैं आफ्टर दिस प्रेस ब्रीफ, जिस पे कंप्लेंट्स ईमेल के थ्रू भी हम लेंगे। सो हमें हर टाइप के अभी कंप्लेंट्स आए हैं इन 36 केसेस में एंड वी होप दैट कि आने वाले टाइम में जैसा जैसा लोगों को ज़्यादा पता चले कि ऐसी एक डेडिकेटेडली यूनिट यहाँ पर है वो और आए यहाँ पे और अपने कंप्लेंट्स यहाँ पे दर्ज करें। ये जो यूनिट है ये DSP रैंक ऑफिसर यहाँ पे हेड कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं और ये इन्हीं कंप्लेंट्स को स्पेसिफिकली देखने के लिए बनाई गई है। कोई मैसेज रहेगी लोगों के लिए आपके लिए? मैं मेरी यही मैसेज रहेगी कि आजकल के टाइम में जब इंटरनेट आपका 5G हो गया है और सभी को अनइंटरप्टेड इंटरनेट मिल रहा है आपके फ़ोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, वाईफाई कनेक्शंस आपके बढ़ गए हैं, सो हर किसी के एक ऑनलाइन छवि, एक ऑनलाइन प्रेजेंस है और बहुत से लोग दे आर डूइंग ट्रेडिंग एज वेल, दे आर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, MPay, गूगल पे, हर टाइप के वो बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए भी दे आर यूजिंग द ऐप्स एंड वेबसाइट्स एंड बेसिकली इंटरनेट। तो जिस तरह पूरे इंडिया में साइबर क्राइम ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले सालों से हमें कंप्लेंट्स ज़्यादा आने लगी हैं। और इसमें दो एस्पेक्ट है साइबर सेल यूनिट के। सबसे पहले तो हम कंप्लेंट लेके उसको इन्वेस्टिगेट करें और जो भी नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है फ्रॉड के कारण, उसको पैसा वापस जल्दी लाने की हम कोशिश करें। उसमें चाहे मोबाइल थेफ्ट का हो गया या मोबाइल मिसिंग केसेस हो गए, वो सब भी हम यहाँ से सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सेकंड है हमारा अवेयरनेस का, जो हम कर भी रहे हैं और अभी तेज़ी से हम बढ़ाएंगे भी, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रेन एंड कॉलेज यूथ को और जो मिडिल एज मेल एंड फीमेल हैं वो उनको भी हम एड्रेस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप फ्रॉड या स्कैम से बचे रहें। आने वाले टाइम में हम और भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसमें करेंगे। मैम, वन ऑफ योर ऑफिसर्स सेड दैट अ केस शुड बी रिपोर्टेड विद इन 24 आवर्स टू 1 वीक। व्हाट हैपेंस टू द ओल्डर केसेस? जैसे टाइम लेट होता है रिपोर्ट करने पे, तो जिस वजह से हमें कोऑर्डिनेट करना होता है हमें बैंक से या अदर इंटरमीडियरी एजेंसी से, सो कई बार होता है कि पैसे फिर उसमें से निकल जाते हैं तो हम एकदम से उसको फिर हमें रिकवर करने में फिर दिक्कत होती है। ओल्डर केसेस में भी हम ट्राई करते हैं जितना हमसे एविडेंसेस हो पाए कि हम उसको करें, लेकिन अवेयरनेस करने का यही एक मकसद है कि अगर फ्रॉड हुआ है तो आप गिल्ट फील ना करें, आप खुद ना सोचें कि कैसे आप जाके ये चीज़ें बताएं, क्योंकि ये ट्रेंड जो है हर जगह बढ़ रहा है। अगर आप आके जल्दी हमें इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो उस फ्रॉड का रिकवरी या रेमेडी बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा।
तो हमारी यही अपील रहेगी लोगों से कि वंस इफ समथिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड टू यू, आपके नोटिस में आता है या आपके साथ हुआ है कि किसी ने OTP फ्रॉड कर दिया है, बैंक फ्रॉड कर दिया है, या आपसे धोखे से कोई चीज़ कर दी है, क्लिक कर दी है, तो बहुत सारे टाइप है स्कैम या फ्रॉड के, तो आप इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर सेल यूनिट में आ जाएं और ये चीज़ बता दें, सो दैट हम इस पर एक्शन ले लें। इस पर ये जज नहीं किया जाएगा कि आपके साथ आपने फ्रॉड किया क्यों, मतलब आपके साथ हुआ क्यों, ये हम इस पर फोकस ज़्यादा करेंगे कि हाउ टू गिव असिस्टेंस टू द विक्टिम इन दिस। थैंक यू।